हमने दो वज़राए आज़म को नाअहल किया और एक को सजा भी दी। एक आर्मी चीफ का मुकदमा अदालत में चल रहा है। ताकतवरों का ताना हमें मत दें। जिस केस का ताना वज़ीर आज़म ने हमें दिया उस पर बात करना नहीं चाहता। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं इस केस में बाहर जाने की इजाजत वज़ीर आज़म ने खुद दी। मामले का असूल मोहतरम वज़ीर आज़म ने खुद तय किया। हमें पहले की मिसालें दी जाती हैं। 2009 के बाद अदलिया बदल चुकी है। हम सिर्फ कानून के ताबे हैं। इमरान खान अभी क्यों भाग रहा है? एहतसाब है, करप्शन की बातें कर रहे हैं एक एक लीडरशिप के पीछे। ये तो पूरा टबर चोर है। अभी जब फैसला आएगा तो फिर उसमें इंशाल्लाह पीटीआई सारी चली जाएगी। धरना सियासत की नाकामी के बाद ऑपोजिशन को नए रास्तों की तलाश। रहबर कमेटी का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को याददाश्त पेश की। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का मुतालबा। सरबराह कमेटी अकरम दुर्रानी कहते हैं कि इमरान खान एहतसाब से क्यों भाग रहे हैं? फंडिंग केस का फैसला आया तो पूरी तहरीक इंसाफ चली जाएगी। एहसन इकबाल कहते हैं कि बदकिस्मती से वजीर आजम की तवज्जो मौशी मसाइल पर नहीं। नैयर बुखारी ने कहा कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। कौम मुतालबा कर रही है कि तहरीक इंसाफ तलाशी दे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन में मौजूद। डॉक्टर आज तिबी मुआयना करेंगे। लीगी कायद शहबाज शरीफ और जाफी मौलिज के हमरा हीथ्रो एयरपोर्ट से अस्पताल के बजाय घर चले गए। मतवालों ने नारों से इस्तकबाल किया। खानदानी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का इलाज अस्पताल नहीं बल्कि घर पर ही होगा। बस बहाने ही थे बाहर जाने के लिए, भागने के लिए। कहीं से दूर दूर तक तो बीमारी का कोई आसार नजर ही नहीं आ रहा ना। उसका जहाज में बैठने का स्टाइल देखें, वो बीमार आदमी था। और नवाज शरीफ बाहर चले गए लेकिन आवाम का कहना है कि वो इतने बीमार नहीं थे कि बाहर जाना पड़ता। जिनको जान के लाले पड़े होते हैं वो सूट पहनकर हाथ नहीं हिलाते। हेडलाइंस आपने जानी।